हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने पकोड़े तो कई तरीके के खाए होंगे, लेकिन ये वाले जो मैं पकोड़े बना रही हूँ बहुत ही यूनिक हैं और खाने में बहुत ही लाजवाब स्वादिष्ट हैं। बनाने में बहुत ही आसान है, लेकिन मैं इसमें एक अपनी सीक्रेट मसाला तैयार करूँगी पकोड़ों का। आप कैसे भी पकोड़े बनाएं, वो वाला मसाला इसमें ऐड कर देंगे तो बिल्कुल आप फील नहीं कर पाएंगे कि ये वाले पकोड़े आपने घर पे बनाए हैं, वो भी बिना बेसन, बिना चावल के आटे के, एकदम करारे और क्रिस्पी। तो मैंने तीन तरीके की दाल ली है। ये है मूंग की दाल और चने की दाल और हरी उड़द की दाल। तीन तरीके की दाल को मैंने रात में भिगो कर रख दिया था और तीखेपन के लिए मैंने ले लिया हरी मिर्ची, लेकिन दाल बहुत ज़्यादा थी तो मैंने उसको पहले ही पीस लिया है। आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी दाल ले ली है। तो तीनों दालों को और मिर्ची को अच्छे से मिक्स करके ग्राइंडर जार में बढ़िया सा फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए, ऑलरेडी दाल मैं पीस चुकी थी, तो जो मैंने आपको दिखाई वो वाली दाल भी मैंने पीस के अच्छे से मिक्स कर दी। और ये है मेरे सीक्रेट मसाले का जादुई मसाला। तो इसके लिए मैंने लिए लाल मिर्ची, सूखी धनिया, सौंफ, काली मिर्ची और जीरा। इनको सबसे पहले एक कढ़ाई में डाल के ड्राई रोस्ट कर लेना है। जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक ड्राई रोस्ट करना है। और इसको ठंडा करने के बाद एक ग्राइंडिंग जार में डालकर बढ़िया सा दरदरा सा मसाला तैयार कर लेना है। और ये है हमारी स्वाद की महारानी हींग, इसको भी आप डालेंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट मसाला तैयार होगा। तो देखिए, हमारा जो सीक्रेट मसाला है वो बनकर तैयार हो गया है। इस मसाले को आप कोई भी पकौड़े बनाएं, कैसे भी पकौड़े बनाएं, उनमें बस आप डाल दें, स्वाद चार गुना बढ़ जाएगा। तो जो दाल थी सारी, उसमें मैं ये जो मसाला है उसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा मैंने बचा लिया है क्योंकि आगे हम उसको ऐड करेंगे, ज़रूरत लगेगी तो। ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास पेस्ट ना हो तो आप जब दाल को पीस रहे थे मिर्ची के साथ तो अदरक लहसुन उसी में पीस लें। नमक डाल दी हूँ, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर और ये है ढेर सारी ऑनियन। ऑनियन को आप इसी तरीके से लच्छे में ही कट करें। और उसके बाद मैंने ले ली है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को भी इसमें थोड़ा सा मैं कट करके डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि जो मिक्स डाल के हम पकौड़े बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करारे रहे हैं, स्वादिष्ट रहे हैं। उसके लिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, लेकिन उसका स्वाद बराबर दाल का ही बरकरार रहे इसलिए चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी ऐड कर रहे हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो मसाला मैंने बचाया था थोड़ा सा, वो भी ऐड कर दिया है। कढ़ाई में मैंने गरम होने के लिए डाल दिया था मस्टर्ड ऑयल। अब ये जो मिर्ची मैं फ्राई कर रही हूँ हरी, इनके मैंने पेट को कट कर दिया था। और मिर्ची को जब भी आप फ्राई करें तो इसी तरीके से करें, मिर्ची बहुत ज़्यादा जलेगी नहीं, मिर्ची में से चटका भी नहीं लगेगा और आप खुद भी सेफ रहेंगे। तो मिर्चियाँ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई उसी ऑयल में, अच्छे से अब गर्म हो चुका है। आप देख सकते हैं मस्टर्ड ऑयल में से धुआं निकल रहा है। तो अब जो पकौड़े हैं उनको मैं डाल दूंगी। पकौड़े का आकार आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, छोटा या बड़ा, लेकिन जो तरीका, मतलब जो साइज मैं बना रही हूँ आप उस तरीके से बनाइए, मीडियम साइज है। और जो गैस की फ्लेम है उसको आप मीडियम ही रखें, बहुत ज़्यादा हाई रखेंगे तो ऊपर की लेयर जल जाएगी, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, और कम रखेंगे तो ऑयल सारा पकौड़े हमारे पी लेंगे। मीडियम रखें और सारे पकौड़ों को मैं इसी तरीके से तोड़ कर कढ़ाई में डाल दूंगी। तो ये पकौड़े बहुत ही यूनिक हैं, आपने देखा, बिना बेसन, बिना चावल के आटे के। मैं इसमें कुछ भी नहीं डाल रही हूँ, बेकिंग सोडा, कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, फिर भी जो है हमारे पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी और करारे रहेंगे। और दाल का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही मज़ेदार है, एक बार ज़रूर ट्राई करना मेरे कहने से। तो देखिए, पकौड़े हमारे क्रिस्पी करारे गोल्डन हो गए हैं, तो बहुत ही स्वादिष्ट पकौड़े बने हैं। आप इनको विंटर में बनाकर खा सकते हैं, आपके घर गेस्ट आएँ आप बनाकर खिलाइए, उनको बहुत ही अच्छे लगेंगे। और सारे पकौड़े मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो फटाफट से आ जाइए, मैंने पकौड़ों को प्लेटिंग में दे दिया है। इसके साथ मैंने जो मिर्ची तैयार की थी वो मैं ले ली हूँ, और इमली की खट्टी मीठी चटनी,
और पकौड़े आ गए आपके लिए। तो अगर आप लोगों को ये वाले पकौड़े अच्छे लगे हों, वीडियो को आप यहीं पर लाइक कर दें, बाद में भूल जाते हैं, और इसको आप जरूर ट्राई करना। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में बताना कि ये पकौड़े का जो मसाला मैंने तैयार किया है, उस मसाले को डालने के बाद पकौड़े आपके कैसे बने, और बिना बेसन, बिना चावल के आटे, बिना बेकिंग सोडा, बिना कॉर्नफ्लोर के पकौड़े आपके क्रिस्पी बने या नहीं बने। आप देख सकते हैं, देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि पकौड़े कितने क्रिस्पी और करारे हैं। आप इनको अदरक वाली चाय, मिर्ची, चटनी, केचप या ऐसे ही खाएंगे तो भी बहुत अच्छे लगेंगे। वीडियो पसंद आई लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।